नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अनीता देवी, प्रधानाचार्य राजकीय बालिका हाई स्कूल चाऊपुरा गंगो सहारनपुर से आपके समक्ष पुनः एक बार उपस्थित हुई हूँ। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 अध्याय 6 और विषय है नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र के अंतर्गत हम नागरिकता प्रकरण में भाग दो पर चर्चा करेंगे। हमेशा की तरह पाठ्ययोजना के कुछ उद्देश्य हैं, आइए जान लेते हैं। आज की पाठ्ययोजना के तीन प्रमुख उद्देश्य हैं, संपूर्ण और समान सदस्यता को समझने में आप समर्थ होंगे, दो समान अधिकार को समझने में समर्थ होंगे, तीन नागरिकता समानता और अधिकार में अंतर करने में आप समर्थ होंगे। नागरिकता के संबंध में अध्ययन करते हुए अपने पहले व्याख्यान में मैंने आपको बताया था कि नागरिकता का अर्थ क्या है, नागरिक और विदेशी में क्या अंतर होता है, हम किसी देश में रहने वाले किन व्यक्तियों को नागरिक कह सकते हैं और किसी देश में निवास करने वाले व्यक्तियों को कितने हिस्सों में हम बांट सकते हैं, ये सब अध्ययन हम कर चुके हैं। आइए आज के प्रकरण के प्रथम बिंदु पर चर्चा करते हैं। आज के प्रकरण में हम आरंभ करेंगे संपूर्ण और समान सदस्यता। हमने आपको बताया था कि किसी देश के नागरिकों को नागरिक कहलाने के लिए कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, जिसके स्तर पर वह अपने जीवन को न केवल सुखपूर्वक जी सकता है बल्कि विपरीत स्थिति होने पर वह सरकार से सहायता भी मांग सकता है। अब हम बात कर रहे हैं कि क्या सभी नागरिकों को संपूर्ण और समान सदस्यता प्राप्त होती है, आइए जानते हैं। इसमें यह प्रश्न उठता है कि आखिर संपूर्ण और समान सदस्यता का असली अर्थ क्या है। क्या इसका अर्थ यह होता है कि नागरिकों को देश में जहां भी चाहे रहने, पढ़ने या काम करने का समान अधिकार और अवसर मिलना चाहिए? क्या इसका अर्थ यह है कि सभी अमीर और गरीब नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकार और सुविधाएं मिलनी चाहिए? हम क्योंकि नागरिक शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, तो आपने एक अध्याय में पढ़ा होगा जहां आपने अधिकार पढ़े होंगे, वहीं हमारे जब अधिकार आरंभ होते हैं वहां पर अनुच्छेद 14 से 18 के प्रावधान हैं समानता का अधिकार। बस ये उसी से जुड़ा हुआ बिंदु है। जब व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त होती है तो रहने, पढ़ने, काम करने का समान अधिकार और अवसर क्या उसे मिलना चाहिए, इस पर हम विचार कर रहे हैं। हाँ, यदि किसी व्यक्ति को किसी भी माध्यम से नागरिकता प्राप्त होती है संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, तो सभी नागरिकों को क्योंकि समान नागरिक समझा जाता है, तो उन्हें देश में कहीं भी रहने, पढ़ने, अपनी आजीविका को चलाने के लिए काम करने का अधिकार और अवसर मिलता है। क्या इसका अर्थ यह है कि सभी अमीर गरीब नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकार और सुविधाएं मिलनी चाहिए? हाँ, समान नागरिकता का अर्थ यही है कि सभी नागरिकों को समान अधिकार के साथ साथ कुछ मूलभूत सुविधाएं भी प्राप्त होनी चाहिए। अमीर गरीब नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकार और सुविधाएं मिलनी चाहिए। देखिए, शब्द आया है बुनियादी अधिकार। बुनियादी का अधिकार, अधिकार का अर्थ है प्रारंभिक अधिकार। यहाँ हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि व्यक्ति के आवश्यकताओं के संबंध में जब हम बात करते हैं तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि आवश्यकताओं का अर्थ क्या है। आवश्यकताओं को तीन भागों में बांटा जाता है, प्राथमिक या मूलभूत आवश्यकताएं, दो आरामदायक आवश्यकताएं और तीन विलासितापूर्ण आवश्यकताएं। भोजन, वस्त्र और मकान मूलभूत आवश्यकताओं की श्रेणी में हैं। अब इसमें शिक्षा को भी जोड़ा गया है। इस तरह से भोजन, वस्त्र, मकान और शिक्षा व्यक्ति की वो मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिनके बिना किसी व्यक्ति का जीवन ही संभव नहीं हो सकता है। तो ये अधिकार बुनियादी अधिकार की श्रेणी में या ये सुविधाएं
मूलभूत सुविधाओं की श्रेणी में आएंगी जो सभी नागरिकों को समान रूप से प्राप्त होनी चाहिए। अपने देश और अन्य अनेक देशों में नागरिकों को प्रदत्त अधिकारों में से एक है गमनागमन की स्वतंत्रता। यहाँ शब्द लिखा है गमनागमन, आप उसे आवागमन पढ़ सकते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के अधिकार के रूप में भी इसे आप समझ सकते हैं। अधिकारों की जब हम बात कर रहे हैं और नागरिकता की हम जब बात कर रहे हैं तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 तक जहां समानता का अधिकार है वहां स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि प्रतिबंधित क्षेत्रों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण कर सकता है। यह अधिकार कामगारों के लिए विशेष महत्व का है। शब्द आया है कामगार, कामगार का अर्थ होता है जो लोग प्राथमिक स्तर पर कार्य करते हैं, इसमें मजदूरों की बात यहाँ पर हो रही है। यह अधिकार यानी नागरिकता का अधिकार और नागरिकता के अधिकार के अंतर्गत एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने की स्वतंत्रता, ये मजदूरों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कैसे इसे समझते हैं, गृह क्षेत्र में अवसर उपलब्ध नहीं होने पर कामगार रोजगार की तलाश में अप्रवास की ओर प्रवृत्त होते हैं। गृह क्षेत्र यानी वे मूल रूप से जहां पर रहते हैं उस क्षेत्र में जब संसाधनों की कमी होती है, रोजगार के अवसरों की कमी होती है तो वो किसी अन्य स्थान पर चले जाते हैं, इसे ही अप्रवास कहते हैं। रोजगार की तलाश में कुछ लोग देश के बाहर भी जाते हैं। हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में कुशल और अकुशल मजदूरों के लिए बाजार विकसित हुए हैं। शब्द आया है अप्रवास और बात हो रही है कामगारों की यानी मजदूरों की। जब कोई व्यक्ति जहां जिस स्थान पर निवास करता है वहां उसे रोजगार प्राप्त नहीं होता है तो वो दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। कुछ समय पूर्व आपने देखा होगा कि टीवी के माध्यम से विभिन्न समाचार के साधनों के माध्यम से लाखों लाख लोग उन स्थानों से जहां वो काम करते थे अपने मूल गृह क्षेत्र को जाने के लिए परेशान थे। हम मूल रूप से इन्हीं व्यक्तियों की यहां पर बात कर रहे हैं। हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में कुछ कुशल और अकुशल मजदूरों के लिए बाजार विकसित हुए हैं। शब्द आया है कुशल और अकुशल। कुशल का अर्थ होता है उस मजदूर से जो जिस क्षेत्र में काम कर रहा है उसे वो काम को ठीक से जानता हो, चाहे वह प्रशिक्षण के माध्यम से जानता हो और चाहे वह अनुभव के माध्यम से जानता हो। दूसरा शब्द आया है अकुशल। अकुशल का अर्थ होता है अप्रशिक्षित मजदूर, यानी वो जिस क्षेत्र में काम करता है वहाँ के लिए उसने कोई विशेष ट्रेनिंग या प्रशिक्षण नहीं लिया होता है और वो धीरे धीरे काम करके ही अपने काम को ठीक से सीख पाता है। उनके लिए कुछ बाजार विकसित हुए हैं। उदाहरण के लिए सूचना तकनीक के अधिकतर कर्मी बेंगलोर जैसे शहरों की ओर मुड़ते हैं। सूचना तकनीक टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। MBA हैं जो बच्चे, MTech हैं, BTech हैं, वो अधिकतर लोग बेंगलोर की क्षेत्र की ओर चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर उन्हें अच्छा रोजगार प्राप्त होता है। केरल की नर्सें पूरे देश में कहीं भी मिल सकती हैं। शहरों में तेजी से पनपता भवन निर्माण उद्योग देश के विभिन्न हिस्सों के श्रमिकों को आकर्षित करता है। अभी हम बेंगलोर की बात कर रहे थे कि टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोग वहाँ पर रोजगार करते हैं। वहीं अब एक जिक्र आया है कि केरल में जो प्रशिक्षित नर्सेज हैं वो दुनिया के ही नहीं भारत के भी विभिन्न हिस्सों में जाकर रोजगार प्राप्त करती हैं। भवन निर्माण एक ऐसा क्षेत्र है जो देश के विभिन्न हिस्सों में लगातार प्रगति कर रहा है और वहाँ पर भी बड़ी संख्या में कुशल और अकुशल दोनों ही प्रकार के मजदूरों को रोजगार की प्राप्ति हो जाती है। सड़क आदि आधारभूत संरचनाओं की परियोजनाओं में भी यही होता है। सड़क निर्माण के
के क्षेत्र में सरकार प्रयास कर रही है लगातार कि देश में सभी हिस्से दूरस्थ क्षेत्रों में भी सड़कों का निर्माण हो, वहाँ पर भी कुशल और अकुशल दोनों प्रकार के मजदूरों को काम की प्राप्ति हो जाती है। आपने अपने घर या स्कूल के आसपास विभिन्न क्षेत्र के मजदूरों को देखा होगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कुछ समय पहले ये एक आम दृश्य होता था कि मजदूर एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर आ जा रहे होते थे, उसी की यहाँ पर चर्चा की गई है। हालांकि अधिक संख्या में रोजगार बाहर के लोगों के हाथ में आ जाने के खिलाफ अक्सर स्थानीय लोगों में प्रतिरोध की भावना पैदा हो जाती है। हमने आपको बताया था कि कुछ लोग अन्य स्थानों पर जाकर रोजगार की तलाश करते हैं। जहाँ पर साधनों की कमी होती है, रोजगार के अवसर कम होते हैं, वहाँ पर जब बाहर के लोग चले जाते हैं तो वहाँ के जो स्थानीय निवासी होते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि जो संसाधन पहले से ही कम हैं, अगर दूसरे लोग आकर उसमें हिस्सेदारी करेंगे तो ये साधन और कम हो जाएंगे और स्थिति और ख़राब हो सकती है। इसीलिए वो इस बात का विरोध करते हैं कि बाहर से आने वाले लोग वहाँ पर रोजगार का प्रयास करें। कुछ नौकरियों या कामों को राज्य के मूल निवासियों या स्थानीय भाषा को जानने वाले लोगों तक सीमित रखने की मांग उठती है। अब विरोध हुआ है तो उनकी क्या मांग होती है? उनकी मांग ये होती है कि सरकारें ऐसी व्यवस्थाएं करें कि यदि साधन सीमित हैं तो जो वहाँ के मूल निवासी हैं, वहाँ की भाषा संस्कृति से परिचित लोग हैं, उन्हें पहले रोजगार के अवसरों में प्राथमिकता दी जाए। यह प्रतिरोध बाहरी के खिलाफ संगठित हिंसा का भी रूप ले लेता है। क्या करते हैं कि जो स्थानीय लोग होते हैं वो सब इकट्ठे हो जाते हैं और बाहर से यानी प्रवास से जो कामगार जाते हैं वो उनका विरोध करते हैं। किसी अन्य देश में स्थानीय लोगों द्वारा भारतीय कामगारों के साथ दुर्व्यवहार किए जाने पर हम सब गुस्से से भर उठते हैं। मैंने आपको बताया था कि रोजगार के लिए न केवल देश के लोग अपने देश में अन्य स्थानों पर जाते हैं बल्कि कभी कभी रोजगार की तलाश में वो विदेशों में भी जाते हैं। तो जैसा विरोध हमारे यहाँ के लोग बाहरी लोगों के आने से करते हैं, वैसा ही विदेश में भी लोग उनके साथ व्यवहार करते हैं। लेकिन यहाँ हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। तब हम ये सोचते हैं कि हमारे देश का नागरिक अगर विदेश में गया है और वहाँ पर कोई रोजगार कर रहा है तो वहाँ के लोगों को ये भेदभावपूर्ण व्यवहार या उनके प्रति किसी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। यहाँ हमारी राष्ट्रीयता की भावना अधिक प्रबल हो जाती है। संभव है हम में से कुछ यह भी माने कि कुशल और शिक्षित कामगारों को काम के लिए कहीं भी आने जाने का अधिकार है। राज्य भी इस तरह के कामगारों को आकर्षित करने की अपनी योग्यता पर गर्व कर सकता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुशल कामगार क्या होता है और अकुशल कामगार क्या होता है। यहाँ पर उनकी बात हो रही है कि जो लोग काम में पारंगत होते हैं या विशेषताएं रखते हैं, अक्सर उन्हें आसानी से काम मिल जाता है और सरकारें इस बात पर गर्व करती हैं कि उन्होंने बाहर से आए इतने लोगों को काम दिया है। लेकिन अगर किसी क्षेत्र में काम अपर्याप्त हो तो संभव है कि स्थानीय लोग बाहरी लोगों की प्रतिद्वंद्वता से नाराज हो जाएं। ये पूर्व का ही बिंदु है। मैंने पहले ही बताया था कि साधनों की कमी के कारण अक्सर लोग बाहर से आने वाले लोगों से नाराज रहते हैं या उनमें संघर्ष और विवाद पैदा हो जाते हैं। तो क्या गमनागमन की आज़ादी में देश की किसी भी हिस्से में काम करने या बसने का अधिकार शामिल है? देखिए, यहाँ अंतर हो गया है बात में। जब हम गमनागमन की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं यानी भ्रमण के अधिकार की बात कर रहे हैं, तब हम रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति कहीं अन्य स्थान पर घूमने गया है, यदि कोई व्यक्ति अन्य स्थान पर किसी समारोह में शामिल होने गया है तो वो आ जा सकता है, इससे उसके भ्रमण की स्वतंत्रता बाधित नहीं होती। यहाँ विरोध इस बात का हो रहा है कि जब बाहर से आया हुआ व्यक्ति अस्थायी रूप से वहीं पर निवास करने लगता है
और वहाँ उपलब्ध संसाधनों में हिस्सेदारी करने लगता है। रोजगार के साधन जो उपलब्ध हैं उसमें वह एक हिस्सेदार हो जाता है, तब उसका विरोध होता है। घूमने फिरने या आने जाने का जो अधिकार है वो इससे सीमित नहीं होता है। कभी कभी लोकतांत्रिक समाजों में भी विवाद उठ सकते हैं, ऐसे विवादों का निदान कैसे हो? ये साधनों की कमी की बात हो रही है, ना तो समाज की बात हो रही है, ना सभ्यता की और ना ही क्षेत्रीयता की। केवल विवाद किस लिए है कि साधनों की सीमितता होती है, तो हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? प्रतिवाद करने का अधिकार हमारे संविधान में नागरिकों के लिए सुनिश्चित किया गया है। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक पहलू है, बशर्ते वह प्रतिवाद दूसरे लोगों या राज्य के जीवन और संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाए। भारतीय नागरिकों को जो अधिकार प्रदान किए गए हैं उसमें शांतिपूर्ण विरोध करने का अधिकार भी शामिल है। ये बात तो ठीक है, लेकिन यदि यह विवाद, यह विरोध शांतिपूर्ण है और इससे किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो व्यक्ति को संविधान के द्वारा यह अधिकार दिया गया है कि यदि उसके हितों पर किसी प्रकार का कुठाराघात होता है, उसके हित किसी प्रकार से बाधित होते हैं, तो व्यक्ति शांतिपूर्ण विरोध कर सकता है। नागरिक समूह बनाकर, प्रदर्शन करके, मीडिया का उपयोग करके, राजनीतिक दलों के से अपील कर या अदालत में जाकर जनमत या सरकारी नीतियों को परखने और प्रभावित करने के लिए स्वतंत्र हैं। व्यक्ति कैसे विरोध कर सकते हैं उसका तरीका है, वो समूह बनाकर कर सकते हैं, प्रदर्शन करके कर सकते हैं, मीडिया के माध्यम से अपनी बात कह सकते हैं, राजनीतिक दलों से अपील कर सकते हैं कि वो उनके साथ आकर उनकी इस मांग में सहयोग करें, या अदालत में जाकर भी जनमत और सरकारी नीतियों को परखने और प्रभावित करने के लिए स्वतंत्र हैं। वो न्यायालय का सहारा ले सकते हैं या जो भी प्लेटफॉर्म वो चाहते हैं, जो भी माध्यम वो चाहते हैं, उसके माध्यम से अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं। अदालतें उस पर निर्णय दे सकती हैं या समाधान के लिए सरकार से आग्रह कर सकती हैं। अदालतें क्या करती हैं, सभी पक्षों की सुनवाई करती हैं और उस पर अपना निर्णय दे सकती हैं, और यदि वो ऐसा महसूस करती हैं कि कहीं कानून में परिवर्तन की आवश्यकता है, तो वो सरकारों से भी उस विषय पर कानून परिवर्तन करके या व्यवस्थाओं में परिवर्तन करके लोगों की समस्या के समाधान के लिए सरकारों को आदेशित कर सकती हैं। यह भले ही धीमी प्रक्रिया हो, पर इससे कई बार न्यूनाधिक सफलताएं संभव हैं। ये धीमी प्रक्रिया हो, यानी अपना विरोध व्यक्त करके अपने बात को मनवाने की प्रक्रिया धीमी हो सकती है, लेकिन इससे न्यूनाधिक, न्यून मतलब कम, अधिक मतलब ज़्यादा, लेकिन इस प्रकार का विरोध करने से अपनी बात को किसी भी माध्यम से सरकार के समक्ष या अदालत के समक्ष लाने से समस्याओं का अक्सर समाधान हो जाता है। अगर सभी नागरिकों को पूर्ण या समान अवसर उपलब्ध कराने के दिशा निर्देश सिद्धांत का अनुपालन सुनिश्चित हो, तो किसी समाज में समय समय पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं के लिए सर्वमान्य समाधान पर पहुंचना संभव होना चाहिए। यहाँ संविधान के नीति निर्देशक तत्वों की बात हो रही है, जहाँ कहा गया है कि सरकार को नीतियाँ बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सभी व्यक्तियों की न्यूनतम आवश्यकताएं आसानी से पूर्ण हो सके। बस उसी को यहाँ पर कहने का प्रयास किया गया है कि सरकारें ऐसी नीतियाँ बनाएं कि जनता की समस्याओं का सर्वमान्य समाधान संभव हो जाए। लोकतंत्र का यह एक बुनियादी सिद्धांत है कि ऐसे विवादों का समाधान बल प्रयोग के बजाय संधि वार्ता और विचार विमर्श से हो। यह नागरिकता के प्रमुख दायित्वों में से एक है। लोकतांत्रिक देशों में क्योंकि जनता को अपनी बात को कहने का अधिकार होता है, विरोध करने का भी अधिकार होता है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि बड़े से बड़े मुद्दे का समाधान आसानी पूर्व से केवल विचार विमर्श द्वारा और केवल एक दूसरे की समस्याओं का समाधान ढूंढने पर ही संभव हो सकता है। इसीलिए लोगों को ये प्रयास करना चाहिए कि वो आपस में बातचीत करके समस्याओं के समाधान का प्रयास करें। बच्चों, अगला हमारा टॉपिक है समान अधिकार।
इस भाग में हम नागरिकता के एक अन्य पहलू की तहकीकात करेंगे। तहकीकात का अर्थ होता है जांच। क्या पूर्ण और समान नागरिकता का अर्थ यह है कि राजसत्ता द्वारा सभी नागरिकों को, चाहे वे अमीर या गरीब हों, कुछ बुनियादी अधिकारों और न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी दी जानी चाहिए। ये वही बिंदु है जो हमने पहले आपको बताया था कि नागरिकता जब प्राप्त हो जाती है तो सरकार सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करती है। इस मुद्दे पर विचार करने के लिए हम खास वर्ग के लोगों पर नजर डालें, यानी शहरी गरीबों पर। गरीबों में बात हो रही है जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं और किसी कारण से वो गरीबी का शिकार हैं, उन पर बात हो रही है। शहरी गरीबों से संबंधी समस्या उन अत्यावश्यक समस्याओं में से एक है जो सरकार के सामने मुंबई खड़ी है। भारत के हर शहर में कुछ बड़ी आबादी झोपड़पट्टियों और अवैध कब्जे की जमीन पर बसे लोगों की है। यद्यपि ये लोग अपरिहार्य और उपयोगी काम अक्सर कम मजदूरी पर करते हैं, फिर भी शहर की बाकी आबादी उन्हें अवांछनीय मेहमान की तरह देखती है। ये उन लोगों की बात हो रही है जो प्रवास करके दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, वहीं पर रोजगार करते हैं और बहुत ही दयनीय स्थिति में जीवन जी रहे होते हैं। झोपड़पट्टी की बात हुई है, यानी ये ऐसा क्षेत्र है जो अक्सर सरकारी जमीन होती है या कुछ सड़क के किनारे या रेल लाइनों के किनारे कुछ ऐसी जगह होती है जो उपयोग में नहीं आ रही होती है, वहाँ पर ये लोग अपनी रिहाइश बनाकर छोटी मोटी व्यवस्था करके रहने लगते हैं। और जब ये उस पर रहते हैं, क्योंकि इन्हें कोई अधिकार उस पर रहने का नहीं होता है, तो इसीलिए इसे अवैध कब्जा कहते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो बम्बई में एक स्थान है, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दुनिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है, सारी दुनिया की। धारावी जो स्थान है बम्बई में, धारावी, वहाँ जो लोग रहते हैं वो दुनिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है और बहुत खराब स्थिति में, बहुत छोटी सी जगह में पूरे 10-10 15-15 लोग एक साथ रहते हैं। ये उनकी समस्या की बात हो रही है। हालांकि ये लोग क्योंकि बिना सुविधा के रहते हैं, बहुत खराब जीवन यापन कर रहे होते हैं, मूलभूत सुविधाओं का अभाव होता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि फिर भी वहाँ के रहने वाले लोग अक्सर उन्हें बाहर से आए हुए व्यक्ति मानकर उनका विरोध करते रहते हैं। उन पर शहर के संसाधनों पर बोझ बनने या अपराध और बीमारी फैलने का आरोप मढ़ा जाता है। अक्सर मैंने बताया कि खराब मानवीय स्थिति में रह रहे होते हैं, कुछ ना कुछ रोगों से भी पीड़ित होते हैं, कई बार रोजगार ठीक से नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में अक्सर वहाँ के लोग ये आरोप लगाते हैं कि ये लोग वहाँ पर अपराध करते हैं। शहरी गरीबों की हालत के प्रति सरकार, स्वयंसेवी संगठन और अन्य एजेंसियों सहित स्वयं झोपड़पट्टी के निवासियों में भी जागरूकता बढ़ रही है। सरकार प्रयास कर रही है इनकी समस्याओं का समाधान हो सके। कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं भी ऐसा प्रयास कर रही हैं और खुद भी ये लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जागरूक हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर जनवरी 2004 में फुटपाथी दुकानदारों के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार की गई। बड़े शहरों में लाखों फुटपाथी दुकानदार हैं और उनको अक्सर पुलिस और नगर प्रशासकों द्वारा उत्पीड़न झेलना पड़ता है। इस नीति का मकसद विक्रेताओं को मान्यता और नियमन प्रदान करना था, ताकि उन्हें सरकारी नियमों के अनुपालन के दायरे में उत्पीड़न से मुक्त कारोबार चलाने की शक्ति हासिल हो। शब्द है फुटपाथी दुकानदार। सड़क के किनारे का कुछ हिस्सा होता है जिसे हम फुटपाथ के रूप में जानते हैं। कुछ दुकानदार कुछ छोटे मोटे व्यवसाय, जैसे मूंगफली बेचने का, सब्जी बेचने का, फल बेचने का काम वहाँ पर बैठकर करते हैं। अक्सर ये सुना जाता है कि पुलिस वाले उनसे कुछ ना कुछ पैसे भी ले लेते हैं, और जैसे ही शासन की तरफ से ये दबाव आता है कि फुटपाथ पर अवैध कब्जा ना हो, अक्सर इन्हें वहाँ से भगा देते हैं। तो 2004 में ये नीति बनी
कि इनके लिए कुछ लाइसेंस की सुविधा कर दी जाए, इनके बैठने का स्थान भी और काम करने का समय भी निश्चित कर दिया जाए ताकि इन्हें परेशानी का सामना ना करना पड़े। झोपड़पट्टियाँ भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक और संगठित हो रही हैं, उन्होंने कभी कभी अदालतों में भी दस्तक दी है। झोपड़पट्टी मतलब अवैध रूप से किसी स्थान पर जाकर झोपड़ियाँ बनाकर रहने वाले लोगों की बात हो रही है, वो भी अब ऐसा प्रयास कर रही हैं कि वो भी नियमित हो सकें। हमारे समाज में हाशिए पर ठेले जा रहे अन्य इंसानी समूहों में आदिवासी और वनवासी शामिल हैं। आदिवासी ऐसे लोग जो नियमित आबादी से दूर निर्जन स्थानों पर रहते हैं, और वनवासी जो लोग वनों में निवास करते हैं, उनकी समस्याओं पर यहाँ बात हो रही है। ये लोग अपने जीवन यापन के लिए जंगल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं, क्योंकि ये लोग आबादी से दूर रहते हैं, अधिकांशतः जंगलों में रहते हैं, तो जंगल में जो भी वनस्पति फूल फल मिलता है उसी पर इनका जीवन निर्भर करता है। बढ़ती आबादी और जमीन और संसाधनों की कमी के दबाव के कारण उनमें से अनेक की जीवन पद्धति और आजीविका संकट में है। जैसे जैसे आबादी बढ़ी है वैसे वैसे ही बस्तियों का भी प्रसार हुआ है। बस्तियों के प्रसार ने आदिवासियों के लिए ये समस्या पैदा की है कि लोग उनके आसपास जाकर बस गए हैं और वहीं पर अपने लिए संसाधन ढूंढने का प्रयास करते हैं। इससे आदिवासियों का जीवन असुरक्षित हो गया है। जंगल और तराई क्षेत्र में मौजूद खनिज संसाधनों की खनन करने के इच्छुक उद्यमियों के हितों का दबाव आदिवासियों और वनवासी लोगों के की जीवन पद्धति और जीविका पर एक अन्य खतरा है। देखिए, जो जंगल हैं, जो तराई क्षेत्र हैं, वहाँ पर बहुत सारे खनिज पदार्थ, जड़ी बूटियाँ, मसाले और बेशकीमती लकड़ी पाई जाती है। जो लोग इन क्षेत्रों में काम करते हैं वो वहाँ पर जाकर इनका विदोहन करते हैं प्राकृतिक संसाधनों का, जिससे आदिवासियों के और वनवासियों के जीवन को खतरा उत्पन्न हो गया है। पर्यटन उद्योग भी यही कर रहा है। सरकारें इस सवाल से जूझ रही हैं कि देश के विकास को खतरे में डाले बगैर इन लोगों और इनके रहवास की सुरक्षा कैसे हो। पर्यटन उद्योग का अर्थ होता है घूमना फिरना। घूमने फिरने के लिए कुछ लोग आदिवासी क्षेत्रों में जाते हैं और वहाँ पर कुछ ऐसी हरकतें करते हैं, कुछ ऐसा व्यवहार करते हैं जिसे वो पसंद नहीं करते हैं। सरकारों के समक्ष ये समस्या है कि उन्हें न केवल औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देना है, पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देना है, लेकिन जो हमारी आदिवासी संस्कृति है, वनवासी संस्कृति है, उसे सुरक्षित भी रखना है और उनके जीवन को भी किसी प्रकार का खतरा न हो, इस बात को भी ध्यान में रखना है। यह ऐसा मुद्दा है जो सिर्फ आदिवासी आबादी नहीं बल्कि सभी नागरिकों को प्रभावित करता है। यानी व्यक्ति की सुरक्षा का मुद्दा, संसाधनों की सुरक्षा का मुद्दा आदिवासी नहीं पूरी जनसंख्या को ही प्रभावित करता है। हमने आज जो सीखा उस पर आधारित कुछ प्रश्नावली है आपके लिए, आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर एक है, संपूर्ण और समान सदस्यता से आप क्या समझते हैं। हमने आज के व्याख्यान में जो पहला बिंदु आपके सामने बताया था, जिस पर हमने चर्चा की थी, वहाँ से आपको इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। उसे बार बार ध्यान से पढ़ें। दूसरा प्रश्न है, समान अधिकार का क्या अर्थ है। दूसरा बिंदु जिस पर हमने आज चर्चा की है वह है समान अधिकार। उस बिंदु पर जब आप विचार करेंगे, उसे ध्यान से पढ़ेंगे, वहाँ पर आपको ये दूसरे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। आज के अध्याय में हमने दो ही बिंदुओं पर चर्चा की है, उसी से संबंधित ये दो प्रश्न हैं। आज के व्याख्यान में इतना ही। आप सबका धन्यवाद।